हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन ईयर द क्वेश्चन सेज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लाइविंग फॉसिल इनमें से कौन सा एग्जांपल है लाइविंग पाइनस एक्सिया नीटम सी द की कंसेप्ट दैट इज लाइविंग फॉसिल क्या होते हैं देखो तो नाम से समझ जाएगा ना कि लाइविंग फॉसिल है ये है ना इनका क्या होता है जो फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है काफी लॉन्ग टाइम स्पान के लिए सेम टू सेम होता है मतलब चेंज नहीं हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड ओवर ऑ लॉन्ग टाइम स्पन लॉन्ग जियोलॉजिकल भी बोल सकते हो जियोलॉजिकल टाइम स्पन ठीक है इतना ज्यादा लॉन्ग पीरियड होने के बाद भी इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन है ना असेंशियली चेंज नहीं हो रहा है वैसा का वैसा ही है ठीक है सो द फर्स्ट ऑप्शन इज पाइनस पाइनस जो होता है ना यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है दैट इज पाइनस पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है ये और ये अभी भी, भी पाया जाता है ये लाइविंग फॉसल नहीं है ठीक है और ये क्या है कॉर्नी है इसे पाइंस के लिए जाना जाता है पाइंस होते हैं ये ठीक है और ये मोनोशियस प्लांट होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं मोनोशियस प्लांट होते हैं मोनोशियस मतलब क्या एक के अंदर दोनों एक के अंदर दोनों मतलब क्या एक के अंदर फीमेल और मेल पार्ट दोनों मिल जाएगा आपको पाइनस के अंदर सो इट इज अ जिम्नोसपम और ये लाइनिंग पॉसल नहीं है ये गलत है रिक्सा क्या होता है ये वाला जो प्लांट है ये है एक तरह से ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा है ये लीवर वर्ट में आता है जैसे लीवर वर्ट और मॉस होते हैं ना ये लीवर वर्ट है ठीक है तो ये क्या है लाइनिंग पॉसल नहीं है नॉन वेस्कुलर प्लांट है जैसे हमें पता है कि वेस्कुलर बंडल्स बाद में बने थे और ये ब्रायोफाइटा में है तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है और ये भी लाइंग नहीं है दैट इज नॉट द लाइविंग फॉसल थर्ड इज नीटम नीटम जो होता है ये भी जिम्नोस्पर्म है और ये भी लाइविंग फॉसल नहीं है हमारा ये ची में भी होता है शब के रूप में भी आपको दिख जाएगा शब जो होते हैं जो मतलब हब हाँ शब होते होते हैं तो आपको शब्द में भी दिख जाएगा और हाँ ट्री के रूप में भी दिख जाएगा ठीक है ये एशियन प्लांट तो है मतलब पुराना तो है बट लाइविंग फॉसिल नहीं है सो ये भी गलत हो गया लास्ट मानिए जिंको जिंको जो होता है जिंको जो है दैट इज द लाइविंग फॉसिल एक्चुअली ये लाइविंग फॉसिल है इसके जितने भी मोस्टली रिलेटिव हैं सब एक्सटेंट हो चुके हैं मेनली ये था टू सेवेंटी मिलियन ईयर्स अगो सोच रहे हो कितना ज्यादा पुराना है ये इसने एक्सटेंशन भी सरवाइव कर लिया मतलब इतने सारे एक्सटेंट होगा इसने ये भी सरवाइव कर लिया है इसलिए इसको ट्रू लाइविंग फॉसल बोला जाता है ट्रू लाइविंग फॉसल ठीक है ये था मोस्टली मीजो जो एक मीजो जो एक जो एरा है उस टाइम का ये ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दैट प्लांट ठीक है ट्रू लिविंग फॉसिल कौन है झिंगू है यहाँ पे सो यअर आंसर भी डी सो so, इसका पूरा नाम क्या है पाइनस रिक्सिया इसका पूरा नाम है वो बायलोबा ठीक है ओनली टू लर्विंग पॉसिबल नाउन होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक